सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चिकन पार्टी के दौरान अन्य मीट परोसने से बवाल खड़ा हो गया। आइए जानते हैं इस मामले के बारे में। ये वीडियो गुलर भोज के बौद्ध जलाशय स्थित एक रिजॉर्ट का है। रिजॉर्ट में कुछ युवक पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान युवकों को अन्य जानवर का मीट परोस दिया गया, जिसे गुस्साए युवकों ने रिजॉर्ट पर जमकर तोड़फोड़ की। ये रिजॉर्ट एक भाजपा नेता का है, जिसके बाद और बवाल मच गया। कांग्रेस नेता दिलीप अधिकारी ने कहा कि ये मामला 4 दिन पहले का है। लड़के वहां पार्टी करने गए थे, उन्होंने खाने में मीट का ऑर्डर दिया, लेकिन होटल के कारीगर सुअर का मांस बनाकर लेकर आए, जिससे लड़के भड़क गए। कारीगर ने बहुत शराब पी थी। गवर्नमेंट के होटल में दारू शराब का क्या काम है? हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि बौर जलाशय एक अच्छा रमणीय स्थल बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज वहां पर कोई सभ्य व्यक्ति नहीं जा सकता है। जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला है आपके 3-4 दिन पहले का है। हमारे ट्रेनिंग कैंप से एक बच्चा है, सोशल वर्कर है, बोलर का गौतम हॉस्पिटल में नौकरी भी करता है। उसका बर्थडे था, सारे लोगों ने डिमांड किया भाई बर्थडे में जाओ जाए वहाँ की पार्टी कराओ। इन्होंने गुलर भोज में बोर जलाशय रेस्टोरेंट है वहाँ पे उन्होंने इन्वाइट किया सबको कि वहीं पे जाए पार्टी देंगे। लड़के गए वहाँ पे, उन्होंने अपने मीट खरीद के लाया, उन्होंने दिया, उन्होंने मीट का ऑर्डर दिया हमको बनाने के लिए। वहाँ पे 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक पार्टी चली। 6 बजे से 10 बजे तक कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। वहाँ पर अचानक क्या होता है, जो उनका कारीगर है होटल वाले का, कारीगर ने उस मीट के अंदर सुअर का मीट मिला के ले आया। जब सुअर का मीट बच्चों के हाथों में पड़ा तो सब भड़क गए। भड़कने के बाद उन्होंने जब कारीगर से जाए बदतमीजी हुई है, वसूली हुई है, उसने जब कहा भाई ये कहाँ से आया, कारीगर उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। फुल नशे में कारीगर था और वहाँ पे जो है खुलेआम दारू मुर्गा वो तो चल ही रहा था। उसके बाद जो मैं कहना चाहता हूँ, जब रेस्टोरेंट वहाँ पे खोला गया, गवर्नमेंट की तरफ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे दारू पिलाना सख्त मना है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग दारू या बियर टाइप की जो चीज़ें पिला रहे थे वहाँ बच्चों को, परोस रहे थे, किसके आदेश में पिला रहे थे? अब पिलाने के बाद फिर जो है उसके बाद उनका कारीगर उनको जो भड़काने के लिए, उन युवाओं को 14-15 युवा थे उसके अंदर, भड़काने के लिए सुअर का मीट डाल दिया गया उसके अंदर, मीट के अंदर मिला के, जिस कारण लड़के आगोश से बाहर हो गए। उनके वहाँ पे जो होटल मैनेजर था, होटल के जो कारीगर था, उनसे उनकी हाथापाई हुई और फिर इन लोगों ने जो है वहाँ उनको बंधक बना के वहाँ पर मारा पीटा गया। लड़कों को कुछ लड़के भाग के अपने जान बचाया, कुछ लड़कों को वहाँ बंधक बना के उनको मारा गया है। बोर्स जलाशय एक बहुत ही अच्छा रमणीय स्थल बन सकता है, लेकिन जो उसका स्वरूप है आज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। मैं तो हमारे माननीय विधायक हैं वहाँ अरविंद पांडे जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा क्या उसका भौतिक सत्यापन करें और स्थलीय निरीक्षण करें कि वहाँ क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। वहाँ पर अव्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शाम के समय में अच्छे परिवारों के लोग वहाँ पर जा नहीं सकते। आज कोई महिला वहाँ सुरक्षित नहीं है। आज वहाँ जो मांस मीट मुर्गा और दारू पार्टी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि वहाँ की पुलिस क्या कर रही है। वहाँ गुलर भोज में चौकी है जो गदरपुर थाने के अंतर्गत आती है, वहाँ की पुलिस पता नहीं क्या कर रही है कि वहाँ पर, मुझे जो जानकारी मिल रही है, अपराधियों का बोलबाला भी है और सत्ता के प्रभाव में जाने क्या क्या घटनाएँ घटित हो रही हैं। और मैं चाहता हूँ यहाँ के जो SSP हैं वो उसमें रुचि लें और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में वो सारा स्थान आता है, वहाँ के अधिकारी भी देखें कि वहाँ पर क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है। बोर्ड जलाशय के नाम पर, हरिपुरा बोर्ड जलाशय के नाम पर वहाँ क्या हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समय रहते इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी, किसी को मुझे जानकारी मिली को मीट मांस का चक्कर हुआ है और सुअर का मांस परोस के दे दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से जो लोग एक रमणीय स्थल को बदनाम स्थल कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं वहां के विधायक अरविंद पांडे जी इसका संज्ञान लें और ऐसे लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करवाएं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलेबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।